नजरों में छुपा ले, ये दूरी मिटा ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अता खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पश्तून अता खान। जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में वीडियो देखा, इस तरह वीडियो आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक जीमेल डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये जीमेल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड करो। एक लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक पे पोन भी है और जीमेल भी है। जीमेल का नाम है नियो प्रोजेक्ट 13, ठीक है। जब आप लोग लिंक पर जाए तो वहाँ आप लोगों को पोन भी नज़र आएगा और ये जीमेल भी नज़र आएगा। जीमेल का नेम है नियो प्रोजेक्ट 13 और पोन जो मैं आप इस्तेमाल करने वाला हूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे वीडियो में। लेकिन इस जीमेल जीमेल को डाउनलोड करने में एक पासवर्ड लगा हुआ है, तो वो पासवर्ड मैं वीडियो के बीच बीच एक एक इंच लगाऊंगा, तो आप लोग वीडियो एंड तक देख के और पासवर्ड मिस ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइट मोशन पर आ जाएंगे, और यहाँ से अगर आप लोगों के पास लाइट मोशन नहीं है विदाउट वाटरमार्क, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से हम प्लस आइकन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से रीशू सेलेक्ट करके 9x16 और नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ से दोबारा नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम मीडिया सेलेक्ट करके यहाँ से हम अपना पिक्चर जो है वो हम उठाएंगे, ठीक है। तो मैं पिक्चर उठाऊंगा, तो मैं ये वाला पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से हम ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से हम नीचे फिल कंपटीशन एरिया सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मूवी एंड ट्रांसफॉर्म पर जाके थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से हम ये थोड़ा जूम करेंगे। अगर इसके बाद बैक आ जाएंगे, और बैक आ जाने के बाद सिंपल प्लस आइकन पर क्लिक करके अपना साउंड ऐड करेंगे। अगर साउंड ऑडियो में है तो ऑडियो पर जाए, अगर वीडियो में है तो मीडिया पर जाए। तो मेरे पास वीडियो में है तो मैं मीडिया पर जाऊंगा, और यहां से मैं ये वाला वीडियो सेलेक्ट करके यहां से इस वीडियो पर मैं क्लिक करूंगा, और ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके नीचे आएंगे, यहां से एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम इस वीडियो को सेलेक्ट करके ऊपर डिलीट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद ऑडियो के एंड तक आ जाएंगे, साउंड के एंड तक, और यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा जो पिक्चर है वो साउंड के एंड तक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हम आएंगे, और यहाँ से प्लस आइकन पर हम क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पोजीशन पे आके प्लस आइकन पर हम क्लिक कर देंगे, एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ से हम अपना अकाउंट का नेम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ ये वाला जो लाइन है आपको नज़र आएगा, इस पर एक बार क्लिक करके, और यहाँ से नीचे जो ये डॉट नज़र आएगा ये वाला, ये हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट पर क्लिक करके मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से हम कलर पर जाके वाइट कलर हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से आप लोग जूम कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमको इतना चाहिए। इसके बाद टिक मार्क पर हम क्लिक कर देंगे, बैक आ जाएंगे नीचे मूवी एंड ट्रांसफॉर्म पर जाके, और ये ऊपर की तरफ खींचेंगे, और यहाँ से यहाँ हम ये फिट कर देंगे। इसके बाद ये खाली जगह पर टैप करके यहाँ से बैक आ जाएंगे, और अपना नाम पर हम क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर एंड शेडो पर जाएंगे, और नीचे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से हम शेडो ऑन कर देंगे। इसके बाद बैक आ जाएंगे, और इस लेयर जो हमारा नेम है इस पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से ये वाला ऑप्शन दो बार सेलेक्ट करके या नीचे ये वाला सेलेक्ट करेंगे, तो ये वीडियो के एंड तक आ जाएगा। इसके बाद स्टार्ट पोजीशन पे दोबारा आके यहाँ से ये वाला जो नेम हमने लिखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये वाला ऑप्शन पे जाके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पर हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ से ये जो हमने कॉपी किया इस पर हम क्लिक करके नीचे एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ से ये नेम जो है हम हटा के, और यहाँ से हम 4 इमोजी ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला इमोजी ऐड कर देंगे, और इमोजी ऐड करने के बाद यहाँ से सिंपल फ़ॉन्ट पर जाके यहाँ से हम iOS 13 फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ कलर पर जाके ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे, और ओपेसिटी जो है वो हम 0 कर देंगे। उसके बाद टिक मार्क पर हम क्लिक करके यहाँ से नीचे मूवी एंड ट्रांसफॉर्म पर जाके थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ये हम जूम कर देंगे, ठीक है। तो इस जूम करने के लिए सिंपल यहाँ इस इमोजी पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पर जाके यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप लोग जूम कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे इतना चाहिए। इसके बाद टिक मार्क पर हम क्लिक कर देंगे, मूवी एंड ट्रांसफॉर्म पर जाके ये हम थोड़ा नीचे की तरफ खींच देंगे, यहाँ से इस नाम के नीचे हम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाएंगे, अब लिरिक्स हम लिखेंगे। तो लिरिक्स लिखने के लिए सिंपल हम बैक जाएंगे जीमेल पे,
ये जीमेल न्यू प्रोजेक्ट, तेरा जीमेल पर हम जाएंगे और इस पर क्लिक करके अंदर जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, ये वाला जो मैंने ये ऑडियो में डिलीट करता हूँ, यहाँ आप लोगों को ये लास्ट वाला जो ऑप्शन नज़र आएगा इस पर आप लोग क्लिक करके यहाँ से नीचे इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से थ्री डॉट सेलेक्ट करके कॉपी टेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। ये जितना भी इफेक्ट है वो कॉपी हो गया। अब हमारा लिरिक्स के बारे में, तो लिरिक्स ये जो दो लाइन है लियर है, एक लिरिक्स और दूसरा इमोजी का, तो हम इसको टिक मार लगाएंगे और यहाँ से हम ये कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो कॉपी टू लेयर पर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद बैक आ जाएंगे अपना प्रोजेक्ट पर जाके। और अपना प्रोजेक्ट पर जाके यहाँ से सबसे पहले हम अपना पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ से नीचे इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से एडिट तक ये जो थ्री डॉट नज़र आएगा इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरह लग जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को विग्नेटिव नहीं चाहिए ये, तो आप लोग यहाँ से विग्नेटिव जो इफेक्ट है वो आप कर सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह। तो मैं आप करूँगा और उसके बाद बैक आ जाएंगे। ठीक है, बैक आ जाने के बाद अपना वीडियो प्ले करके जहाँ से आप लोगों का फर्स्ट लिरिक्स शुरू होता है वहाँ हम वीडियो स्टॉप कर देंगे और यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके पेस्ट टू लेयर पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो लिरिक्स है वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये नीचे है तो हम ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से हम इस दोनों को टिक मार लगा के और यहाँ से हम ये ऊपर की तरफ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ नेम के ऊपर हम लगा देंगे और उसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद सिंपल यहाँ से हम सबसे पहले लिरिक्स पर हम क्लिक कर देंगे और नीचे एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ से ये वाला लिरिक्स हम हटा के और अपना दूसरा लिरिक्स लिखेंगे। लिरिक्स लिखने के बाद यहाँ हम सिंपल फॉन्ट पर जाके और अमार नस्तलक फॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जाके वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर फॉन्ट ऐड करने का तरीका आपको नहीं आता कि लाइट मोशन में फॉन्ट कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ से व्यू ऑल फॉन्ट पर क्लिक करें और यहाँ से ये थ्री लाइन नज़र आएगा इस पर क्लिक करके नीचे इम्पोर्ट फॉन्ट पर जाके यहाँ से अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर टिक मार्क पर हम क्लिक कर देंगे, बैक आ जाएंगे और यहाँ से अब हम इमोजी पर क्लिक कर देंगे। एडिट टेक्स्ट पर जाके यहाँ से ये वाला इमोजी हटा के और अपना दूसरा आपकी मर्जी जो इमोजी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हो यहाँ। और फिर फॉन्ट पर जाके iOS 13 फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टिक मार्क पर हम क्लिक कर देंगे, बैक आ जाएंगे। ठीक है, बैक आ जाने के बाद हमारा काम इतना हो गया। अब हम वीडियो प्ले करके जहाँ तक हमारा पहला लिरिक्स ख़त्म होता है वहाँ हम वीडियो स्टॉप करेंगे। तो हमारा पहला लिरिक्स जो है वो यहाँ तक है, तो यहाँ मैंने स्टॉप किया। ये फालतू हिस्सा हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए सिंपल सबसे पहले हम लिरिक्स पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से टाइमर ऑप्शन पर जाके और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम ये स्क्रीन पर हम टैप कर देंगे और यहाँ से हम फोन पर क्लिक कर टाइमर ऑप्शन पर जाके यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ये भी। इसके बाद यहाँ हम दूसरा लिरिक्स लिखेंगे, तो कॉपी कर यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कॉपी टू लेयर पर हम क्लिक कर देंगे। और जहाँ हमारा पहला लिरिक्स ख़त्म होता है वहाँ हम स्टॉप करके यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हम पेस्ट टू लेयर पर लिखेंगे, तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम ये लिरिक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे एडिट टेक्स्ट पर जाके यहाँ से ये वाला लिरिक्स हटा के और अपना दूसरा लिरिक्स लिखेंगे। उसके बाद टिक मार्क पर क्लिक करके बैक आ जाएंगे और इस तरह इमोजी पर जाके इमोजी पे हम चेंज कर सकते हो, आप लोग चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह। उसके बाद टिक मार्क पर क्लिक करके बैक आ जाएंगे और यहाँ तक हमारा जो दूसरा लिरिक्स है वो यहाँ तक है। तो हम ये कैसे बढ़ाएंगे, हमारा दूसरा लिरिक्स यहाँ तक है, तो ये जो दूसरा दो लेयर है ये हमें इसको यहाँ तक चाहिए। तो इसके लिए सिंपल लिरिक्स पर हम क्लिक कर देंगे, ये टाइमर ऑप्शन पर जाके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो ये हमारा लिरिक्स यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे और सिंपल यहाँ इमोजी पर क्लिक करके टाइमर ऑप्शन पर जाके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके। इसके बाद तीसरा लिरिक्स लिखने के लिए सिंपल ये है, इस जगह पे हम पेस्ट कर देंगे तीसरा लिरिक्स, तो यहाँ हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके पेस्ट टू लेयर पर रख देंगे, तो ये तीसरा लिरिक्स जो है वो भी पेस्ट हो जाएगा। इस तरह आप लोग अपना लिरिक्स सारे वीडियो में अपना लिरिक्स लिख सकते हो। ठीक है, लिरिक्स लिखने के बाद यहाँ ऊपर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना वीडियो सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए सिंपल एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो सेव हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।